दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन विशेष में अपने सबके हार्दिक स्वागत है। विशेष संदर्भ पर विशेष व्यक्तित्वक संग उपस्थित होइत रहै छी बातचीत करबाक लेल, वार्तालाप के लेल। आजू कार्यक्रमक अतिथि छथि मधेश केन्द्रित दल कही, ओना किछुए दिन पूर्व डॉक्टर सी के राउत जी एत आयल छलखिन एहि कार्यक्रम में। ओ कहलखिन जे आब मधेश केन्द्रित दल नहीं कहियो, मुदा आई ओहो हुनका से पूछब। लोसपा नेपाल के वरिष्ठ नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय राजेंद्र महतो जी, स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। एक दू वर्ष के अंतराल में आय के भेटघाट, सवाल सब बहुते है। शुरू करी से अखन के ताजा वस्तु वा स्थिति अपने दू चार दिन सरलाही में छलिए। बात की आबि रहल छै जे अपने आब सरलाही में जाकर बुझै छी जनता सब से हम आऊ कि नहीं आऊ। जनकपुर में अपने निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 में असुरक्षित छिए, सरलाही में जाकर अपन संभावना की छै से बुझ रहल छिए, अत से अपने चल जेबे से बात आबि रहल छै। ताजा बात इएह छै। समाचार तो पत्रकार के कुछ न कुछ लिख के चाहिए तो लिखित रहै छै। पत्रकार के समाचार के विषय वस्तु निर्वाचन भी छे, नेता भी छे, क्षेत्र भी छे, और विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह भी छे, विभिन्न हिसाब से समाचार लिखी छे। तो कोई बात नहीं छे, ओकरा अन्यथा लेबे के कोई जरूरत नहीं छे। धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से पहले जो निर्वाचन भेले वही निर्वाचन में निर्धारित जनता के द्वारा निर्धारित हो गई। इससे पहले तो निर्धारित हम के लिए जनता के मांग के आधार पर, लेकिन यहाँ अला के बाद जनता ओकरा प्रमाणित करती ठप्पा लगा दिल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 एटा निर्वाचित भेल जगह है, जनता के निर्वाचन कैल जगह है, देश मधेश के राजधानी है। एतेक जनता जहाँ पार्टी के संगठन के हिसाब से कोनो खास मजबूत संगठन नहीं रहे, चार वर्ष पहले जब चुनाव लड़े तो जनता के भरोसा विश्वास, मधेश आंदोलन पर भरोसा विश्वास, एतेक ज़्यादा भरोसा विश्वास जनता दिखा के निर्वाचित कल के तो हमर एहिमे अन्यथा कुछो सोचनाइ उचित नहीं होइ छै। एहि लेल हम सब ठीक ठाक देख रहल छी। पहिले तऽ हम 4 साल पहिले तऽ हम बहुत ज़्यादा जानो पहचान नहि रहै, न संगठन नहि, न कोई कार्यकर्ता, न बहुत अभाव रहै न। आइ के दिन में तो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्ति के हम चिन्ह लिए न, प्रत्येक गाँव टोल देख लिए, जनता से डायरेक्ट संपर्क भेलै, संबंध भेलै, बीच में काज करे के अवसर भेले, बहुत काज सब गांव गांव में टोल टोल सब में काज भेले, जते संभव भेले काज भेले जनता के, तब सब कुछ सकारात्मक ढंग से ही अगाड़ी बढ़ रहा छी। तब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के विकल्प सोचे के कोनो अवस्था नहीं छे। निर्वाचन क्षेत्र खोजल निर्वाचन क्षेत्र छी धनुषा 3, अन्य निर्वाचन क्षेत्र खोजे के जरूरत नहीं छे। प्रायिक ढंग से कोनो समाचार कुछ लिखे छी तब लिखे दियो, कोई बात नहीं छो, लिखे स्वतंत्रता छे, लोकतंत्र छे ना, कोई बात नहीं छे। मतलब जहाँ तक जी सरलाही जाए के वा एहि बीच के जे मूवमेंट नहीं सरलाही, मूवमेंट तो पूरे देश में चल रहल छे ना। अभी पर्व त्यौहार के संदर्भ में, पार्टी संगठन विस्तार के संदर्भ में, पार्टी निर्माण के संदर्भ में पूरे देश में कार्यक्रम चल रहल छे, और हर जगह पार्टी कार्यक्रम भ रहल है, कार्यकर्ता कार्यक्रम रख रहल छे, और ई कार्यक्रम में सहभागी होय के पड़ रहल है, और वही क्रम में सरलाही में भी कार्यक्रम रखल गेल है। 4 दिन के, 5 दिन के कार्यक्रम रहे, 5 दिन के कार्यक्रम वहाँ के सभी निर्वाचन क्षेत्र में कार्यक्रम रखल गेल है। दिवाली छठ के शुभकामना आदान प्रदान, पार्टी प्रवेश कार्यक्रम, लगात के कार्यक्रम सब रखल रहे। तो सरलाही चूँकि हमर तो जन्मभूमि सरलाही, और अभी तक के राजनीति सरलाही से के लिए, तब सरलाही में कार्यक्रम
स्वाभाविक रूप से कहीं बेसी रखल गए सब और बेसी समय दिलिए और बिली बेस जब सभी क्षेत्र में घूम लिए तो वहाँ के कार्यकर्ता अपन बात तो कहबे करते ना तो वहाँ कार्यकर्ता तो कहबे करे वहाँ के जनतो लोग यहाँ सरलाही अला से नहीं हेती मंच से कहे तो सरलाही संभव हो तो सरलाही के लिए भी सोचिए एहन बात सभी सुने में अल मंच से लोग अपन भाषण करे तो हक है कोनो जिला में जाए छे तो वही जिला में यदि कार्यकर्ता के मन हुई छी तो कहे के उकर चूंकि अब निर्वाचन के भी चर्चा शुरू भ गए तो हम मोरंग में जाइए तो ओतो भी कहे छी कि आउ नेते चुनाव लड़ू ना सप्तरी में जाइए ओतो भी कहे छी कोनो जिला में परसा में गेली ओते कहलक सरलाही में गेली ओते कहलक तो कोनो जिला में गेला के बाद में अगर यदि संगठन के विस्तार पहाड़ में हेतै ना तो ओतो न कहीं कहे लाग गए चुनाव लड़ू तो ओकर हक बनी छी कार्यकर्ता के न्योता देवे के आमंत्रित करे मतलब स्पष्ट रूप से ही बुझी बसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो जी अपन चुनाव क्षेत्र छै एमे थावत रहथिन सीटिंग सीट है नहीं बिल्कुल सीटिंग सीट ही जीतल सीट छै जनता एतेक भरोसा विश्वास करके जनकपुर से जीतेले छै ओकरा भरोसा विश्वास तो हमरा कायम रखे के छै ना और यहाँ और मजबूती भेलै ना पहले से बहुत ही मजबूती भेलै अपने कैसे मजबूती भेलै आबै बात के बेसी लंबा नितानी अपने क्लियर छै जे अहिले से लड़ब अपने कैसे मजबूती भेलै लेकिन तत्कालीन अपने एखन के जसपा पक्ष के सेहो उम्मीदवार रहिए प्रतिनिधि सभा सांसद में लड़ लिए तब आज जसपा अलग अपने सब अलग त आधा आधा शक्ति भ गेल छै नि तब केना मजबूत छियै तब हम पहले कहली कि जिया चुनाव लड़े अइली तहिया हमरा जसपा के राजपा कहियो न थिया राजपा रहे समाजवादी हमरा से कोनो खास संगठन नहीं रहे केकरो नहीं रहे और तीन नंबर क्षेत्र में भी वो जो समाजवादी तिहार रही ओकरो कोई संगठन नहीं रहे कोई खास संगठन नहीं रहे हमरो सबके नहीं रहे तो हम पहले कहली कि संगठन के आधार पर नहीं भेले आंदोलन के आधार पर भेले मधेश आंदोलन के ऊर्जा मधेश आंदोलन के प्रति समर्पण भाव नेतृत्व के प्रति समर्पण भाव तो वो अभियो छै तहियो रहे पार्टी विभाजन से कहीं कोई असर हम नहीं देख रहा जी कहीं कोई गांव में जनकपुर में कहीं कोई गांव में कहीं कोई 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 असर नहीं छे फिर से जी तहियो दुटा पार्टी रहिए आयो दुटा पार्टी छे फिर से चुनाव में वो एकता के संभावना छे कि नहीं कि खत्म भ गेले नहीं नहीं निर्वाचन देखिए राजनीति में तो सभी चीज संभावना खुलल रहै छै हर चीज के संभावना रहै छै असंभव राजनीति में होबे नहीं करै छै राजनीति में भी कथी निर्वाचन में भी गठबंधन चुनावी तालमेल भ सकै छै कोनो पार्टी से कांग्रेस से एमाले से लगायत सीट के एडजस्टमेंट कोनो पार्टी के साथ भ सकै छै अभी कहनाई मुश्किल है केकरा साथ हेतै गठबंधन के संभावना छै भ सकै छै गठबंधन एखन लोसपा प्रधान न्यायाधीश के जे राजीनामा माग भ रहल छै राष्ट्रीय मुद्दा छै जसपा गठबंधन में छी हम गठबंधन के धारणा लेबे से कह के मतलब पाछा हट रहा है लोसपा केला चुप छै एमे अइ विषय में किएक त सम्मानित सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालत के प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध में सब न्यायाधीश सब एक भ गेल छै राजीनामा माग कर रहल छै अपने सब के पद च्युत करय वाला वह प्रधान न्यायाधीश से तैयो नहीं किछ बजे छियै हम सब ई चाहै छी कि जनता के आस्था के अंतिम आस्था के केंद्र न्यायालय होइ छै अदालत होइ छै जहाँ से जनता के कतौ कुछो नहीं भेटै छै त कहै छै अदालत जबो मतलब अंतिम न्याय के जगह वही छै जनता के और वही जगह के संदर्भ में सकभर टिप्पणी न होए सकभर बाजे के नहीं पड़े विरोध समर्थन करे के नहीं पड़े वो निष्पक्ष और स्वतंत्र ढंग से काज करे न्यायालय ई देश और जनता के हित में होई छे दुर्भाग्य नेपाल में न्यायालय जे जनता के अंतिम आस्था के केंद्र छै ओहो निष्पक्ष नहीं छै ओहो स्वतंत्र नहीं छै न्यायालय भी अब सुनबे करी छै आजकल एक शब्द चल प्रचलन में है सेटिंग सेटिंग के आधार पर न्यायालय चले छै प्रधान न्यायाधीश सेटिंग के आधार पर फैसला करै छै अही जे चर्चा के लिए वो जो विगत में सरकार रहे जी सरकार में हमू सब रहिए
और विघटन के जो केस चलित रही सब संसद पुनर्स्थापन विघटन वाला और उस सेटिंग के आधार पर फैसला भेली से आबि रहल है और प्रमाणित कहल कि न्यायाधीश के प्रधान न्यायाधीश के इच्छा अनुसार मांग अनुसार मंत्री नियुक्ति भेले रे लगायत और प्रमाणित जका भ गेलै नियुक्ति भेले या राजीनामा देल गेलै केना राजीनामा देल यदि प्रधान न्यायाधीश के न रहती राजीनामा देवे के जरूरत न रहै सभा के बाहर के लोग तो संविधान व्यवस्था रही तो बाहर के लोग भगली कैला छोड़ कैला भगले जखन अगाड़िये ई चर्चा रहे तो किया भेली काज कैला भेली तै लेल सेटिंग के आधार पर जो न्यायालय चले लगे कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका शक्ति पृथ्वीकरण के सिद्धांत के विपरीत एक ढंग से काज होती तो देश में तो अनर्थ हो जाते ना अभी अनर्थ भ रहा है अदालत में लत्तम जुता भ रहा है पीटा पीट भ रहा है और न्यायालय राजनीति का खड़ा भ गेल छे अनैतिक गतिविधि क्रियाकलाप फैसला करे के विभिन्न आधार सब विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रह स्वार्थ ये सब आधार बन जा रहा है तब तो न्याय नेपाली जनता कहाँ खोजते अब प्रश्न उठ रहा है ना तो तै लेल देश के अवस्था ठीक नहीं देख रहा है अपने सब की चाहे छी तब जे शंकास्पद गतिविधि सब एखन धरि जे पुष्टि भेलै प्रधान न्यायाधीश के ई जे भ रहल ई सब दुर्भाग्यपूर्ण घटना है अनर्थ देश में अनर्थ अनिष्ट होय वाला घटना सब है ई अनिष्ट के संकेत है कि अंतिम आस्था के केंद्र पर भी आक्रमण भ जाए और न्यायालय भी यदि आस्था के केंद्र नहीं रहे तब तो बहुत दिक्कत होइ छै बहुत ही दिक्कत भ जाइ छै एहि लेल सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश के संदर्भ में जे आ रहल तो न्यायाधीश सब राजीनामा मंगले कोनो पार्टी राजीनामा नहीं मंगले है ना न्यायाधीश सब मंगले छै ओकर अपने सहकर्मी सारा न्यायाधीश कहै छै राजीनामा कर दे तो कैला कहै छै बार एसोसिएशन कहै छै राजीनामा कर कैला कह रहल जना सहकर्मी है ना नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जी कहलखिन जे राजीनामा देतै तो प्रधान न्यायाधीश मात्र नै परमादेश देवे वाला संपूर्ण न्यायाधीश सहित पांचों आदमी के देवे पड़ते वो तो वो एक ढंग तो ठीक है बात है लोकसभा ओकरा समर्थन करे अकेले अकेले थोड़ी प्रधान न्यायाधीश के ले छे रे प्रधान न्यायाधीश बेसी भाग ले ले होते कोनो छोट छोट भाग ले ले होते या न ले ले होते त सेटिंग में निर्णय भेल छै से उ निर्णय तो प्रमाणित भ रहल है ना त वो अपना जगह पर सही छै मुखिया के देवे के चाहिए प्रमुख के देवे के चाहिए वो अपना जगह पर सही छै ओकरा जोरे जे ओरो जे काज कैले है ओकरो गलती भेली ओकरो ओकरो करक जाय वो बात सही छै अपने की कहे छै लोकसभा की कहे छै कि एखन धारणा बनाबे के मांग छै हम सब इसमें कोई हम सब नहीं बुझलिए इसमें टिप्पणी करना ही उचित नहीं छै लेकिन न्यायालय के ऊपर आस्था त लोग के इसे समाप्त भ जतै अब न्यायाधीश सब कहै छै बारो कह देल कि सभे कह रहल है कि गलत भ रहल है त गलत है ना अब प्रधान न्यायाधीश एक गोटे चाहे पांच आदमी देवे राजीनामा देवे के चाहिए बात वही से उठ गेलै ना भरोसा विश्वास के जगह नहीं रह गेलै वहाँ से उठ गेलै ना तो देव ना राजीनामा गलती कर राजीनामा जनता के भरोसा विश्वास जमावे के लेल अर्जन कर के लेल गलती कर चुका दंडित होइ छै इ बात सब जनता में जाए के चाही तब देवे के चाहिए राजीनामा देवे के चाहिए ना गलती करबै अहाँ जनता के भरोसा विश्वास अदालत के ऊपर से उठाए वाला काज एकटा न्याय न्यायमूर्ति न्यायाधीश होके प्रधान न्यायाधीश होके यदि करबै तो आवाज़ तो उठते आई तो आई तो न्यायाधीश और बार उठा ली काल जनता में आवाज आ सकी है जनता के एजेंडा बन सकी है इसलिए सब गलत भ रहा है गलत न्यायालय के न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश के गतिविधि जे ढंग के ये काज भ रहा है ये शोभनीय काज नहीं है ये बिल्कुल अशोभनीय काज है और ऐसे देश में ऐसे अराजकता बढ़ते है देश में अस्थिरता बढ़ते है देश में जनता के धैर्य के बांध टूटते है अब कहाँ जाओ ई मन में जब जनता के सुरक्षा के बात हम कहाँ जाऊँ न्याय कतब भेटते तब तो अंतिम भ गेलै नहीं हो ये देश में जनता के ई अनुभूति हो कि हम न्याय नहीं भेटते न्याय कहाँ जाओ अब वो तो भी खत्म करप्ट भ्रष्ट और सेटिंग के आधार पर फैसला होइ छै न्याय नहीं भेटै छै ते लेल देश में हम कहै छी ई देश में अदालत छै न्यायालय नहीं छै कि न्यायालय देश में छेबे नहीं करै न्याय नहीं भेटै छै अदालत छै एकटा फैसला करै छै चल कह दिया फैसला गलत हो सही सही हो सकै छै
तो यहाँ के अदालत सेटिंग में यहाँ के अदालत सब फैसला करे न्याय नहीं करे न्यायालय छेबे नहीं करे अदालत नामे अदालत है छल के फल निकाले वाला जगह है तो गलत है। अब एक दोसर सान्दर्भिक बात है कालेखन जनकपुर धाम विमानस्थल में नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष प्रचंड जी कहलखिन जे आब प्रतिपक्षी एमाले अहिना विरोध करते रहते तो हम सब नागरिकता एहन रेलवे एहन चूँकि अपने के क्षेत्र जनकपुर धाम पड़े आ जनकपुर धाम से जुड़ल से नेपाल रेलवे तो एतेक महत्वपूर्ण नागरिकता एहन तकर बाद रेलवे एहन ये सब हम सब अध्यादेश लाइबो को हेते तो पारित कर अगड़ी बढ़बे से कहने छथिन अपनों सब अध्यादेश लेने रहिए ओकरा मतलब खारिज कैल गेले की कहबे अपने ई द्वैध चरित्र छै कांग्रेस कम्युनिस्ट दुनू के कांग्रेस एमाले माओवादी सभे के द्वैध चरित्र छै वह बात सरकार में रह सत्ता में रह तो ठीक है वह बात करत सरकार प्रतिपक्ष में आए तो वह बात के विरोध करत तो की कहो ई सबके एक रंग के चरित्र है कांग्रेस एमाले प्रचंड होए देउपा होए ओली होए माधव होए सभे के एक चरित्र छै ई चरित्र के कारण देश बर्बाद भ गेलै कांग्रेस कम्युनिस्ट देश के बर्बाद कल के देश तो कंगाल भ गेले देश तो छै कहाँ जनता यही से गरीब कत बनते दुनिया के सबसे गरीब देश के नाम लिखे 10 में नेपाल के नाम लिखे पड़े कथी के लिए राजनीति भ रहा है राजनीति कौन चीज जनता जनता के लिए राजनीति भ रहा है जहाँ दिन प्रतिदिन गरीबी बढ़ रहा है कथी कहे ये अनाचार बढ़ रहा है दुराचार बढ़ रहा है यहाँ के कुशासन सुशासन सब सुशासन खत्म भ गेले है जनता के अधिकार नहीं दी छी जनता के पहचान नहीं दी छी अधिकार मांगी छी गोली मारी छी दुनिया में एहन कई देश भेलैया जे संविधान जनता के लिए बनी छै ने संविधान संविधान देश और जनता के लिए बनी छै ओ जेकरा लेल संविधान बनै छै वही जनता के गोली मार के कहि तोरा लेल संविधान बनै लिए एहन देश छै ई और ई करे वाला के छै ओ कांग्रेस कम्युनिस्ट कांग्रेस एमाले माओवादी जेकर नाम ले लिया और ओकर चर्चा करनाई बेकार छै ई त मतलब तो अब जनता के तो वही हिसाब से सोच के पड़ते राजनीति के लिए राजनीति देश में भ रहा है सरकार के लिए सरकार बन रहा है और जनता के लिए राजनीति नहीं भ रहा है सरकार जनता के लिए सरकार नहीं चल रहा है वही अध्यादेश 3 बरस से संसद में रखल है समिति में नागरिकता वाला जो लाखों नागरिक जन्म सिद्ध नागरिक के संतान लाखों संतान बालिग होके दर दर के ठोकर खा रहा है रोजी रोटी ओकर नागरिकता नहीं है ना विदेश जा पा रहा है देश में नौकरी चाकरी तो बातें नहीं है और कतो कुछ नहीं कर पा रहा है अपनों रोजी रोटी करे के लिए नागरिकता चाहिए यहाँ तो जिये के लिए मरे के लिए सबके नागरिकता चाहिए ना सांस लेवे के लिए नागरिकता चाहिए वो नागरिकता देवे नहीं करे यहाँ तो देश यहाँ रहे ये धरती हम सब सुनले रही पढ़ले रही ये देश बनी छे जमीन और जनता दोनों मिली छे तो मात्र देश बनी छे ये देश में खाली जमीने से देश बनी छे जनता नहीं हो रही है देश बनी छे ये जमीन कहे जी नेपाल के छी आई रहे वाला जनता नेपाली नहीं हुई छे एहन देश छे ये तो की कहबे ये देश बड़ा अजीब अवस्था छे तेले देश एक कालखन नागरिकता एन अध्यादेश कार्यान्वयन भेल रहे आ फिर से अध्यादेश कार्यान्वयन हेते तो फरक हेते की हम वही बात कह रहल छी आ तो विषय में जाई हम तो कहै छी मतलब उल्टा उल्टा काज कर रहल ई सब ई सब ई सब देश और जनता के लिए काजे नहीं कर रहल छै नैतिकता नाम के चीज नहीं छै न तो वो नागरिकता अध्यादेश 3 बरस से 3 बरस से विधेयक पार्लियामेंट में रखल छी रोके वाला के छै यही कभी कांग्रेस रोकलक कभी एमाले रोकलक कभी माओवादी रोकलक नहीं बुझिए सरकार में गेल से कलक लावे के है प्रतिपक्ष में अगर नहीं लावे के छै और वह सरकार में गेल तो कलक लावे के छै है अपना अपना जस खाए के लिए जस मतलब हमरा बेर में होए तो भाई मतलब हमरा बेर में हो तो जनता के हम आरबे जनता के परेशान कर जनता के पीड़ित करबे केकरो बेर में आवे जनता जनता के लिए जो ठीक काज होबक चाहिए ना वो नागरिकता अध्यादेश कथी बिल 3 बरस से हाउस में रखल नहीं कल के ये सब अपने में समिति में दिन रात विरोध करते रह गए कभी कोनो विरोध कभी कांग्रेस कोनो दफा पर विरोध कभी एम आल ए के कोनो दफा में विरोध कभी कोई माओवादी के दफा में विरोध सब राष्ट्रवादी खोखला राष्ट्रवादी और नियल लास्ट में जाके केपी ओली जब घनघोर मधेश विरोधी केपी ओली जब मधेश के नाव सुने नहीं चाहे ये मधेश पर गोली चला के संविधान बनाए में ओकरो हाथ रही मलेट में गोली चले वो जे केपी ओली मधेश के नामे सुने के नहीं चाहे वही केपी ओली के जब संकट पड़ ले
जो संकट संसद में अगर पार्टी के झगड़ा भगे ना तो संकट जब पड़ल तो आके हाथ पकड़ गई हमें मदद चाहिए तो मदद चाहिए चल ऐसे पहले तो करे तो हमारे काम कला नहीं कहले ओली के भी कहले तो उपाय कहली प्रचंड कहली सब करी कहले नहीं चार बरस में कोनो निकल के ना तो जो ओकरा मतलब है तो कहल तो पहले काज सोचना पहले काज करना एक बार ओकरो पर विश्वास के लिए अपने सर विश्वास नहीं ना विश्वास करे के तो वस्तु ही नहीं चाहिए सब ये सब तो विश्वास करिए नहीं सकिए सब पर ये सब ऐसे मजबूर भ जाए कुर्सी के लिए कि सब किछो करत की कुर्सी बचाव के लिए कर कुर्सी संकट में पड़ी तो अली झुकल तो कहली पहले कर जो मधेश के नाम नहीं सोचो कर ना पहले नागरिकता वाला कानून ला ना अध्यादेश ला तो ल जे तीन वर्ष पहले न ले तीन वर्ष तक ले उ ल ना जो मधेश के नामे नहीं सुने चाहे संविधान संशोधन के बाद वो कार्यदल बनाबे के लिए तैयार भ गए 139 आदमी के मुद्दा फिरता भेले तो हम ही कहली कहित कि केपी ओली लल तहिया तब अध्यादेश के विरोध करे वाला के रहे प्रचंड रहे ना आए ये दोपहर रहे ना कांग्रेस ही माओवादी सभी मिल के कि अध्यादेश वाला देश चलाऊ ने अध्यादेश ले उन्हें अरे तीन वर्ष तक न ले ली तो हमसे मजबूर के लाए लही ना तो तू सब हल्ला के लिए रहती है राष्ट्रघाती काम भयो की दुनी लेकिन अपना हो सब आई झूठो के अपने सब पे ही आरोप लाई गेल जो अध्यादेश नागरिकतायन के अध्यादेश तकर बाद छोट मोट एक दूटा काज क के अपने सब के षड्यंत्र तहत मतलब तत्कालीन राजपा समूह जे सत्ता में नहीं गेल रहे अपन अस्तित्व बचेने रहे ओकरा 18 दिन के लिए अपन चंगुल में फंसा के अपनों सबके बदनाम कर देवे के काज के ना 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 वही हिसाब से लेबे नहीं करू हमरा सब कथी बदनाम करते हम सब जे मधेश के मौ सुन के लिए तैयार न रहे ओकरा ओकरा ये लाइन पर 18 दिन के लिए सही 18 महीना में जो उपेंद्र यादव निकल के ना वो 18 दिन में ओकरा करवा तो देली मतलब पश्चाताप नहीं अपने सबके अरे ये बात ये शब्द कहाँ से प्रयोग के लिए कौन जी के पास है जे के पी ओली मधेश के नाम सुन के लिए तैयार नहीं ओकरा मधेश के फॉर्म में उतना काम शुरू करवे लिए बाद में तो लाल तो रोके दे रोकल गए लाल तो रोकल गए ना लेकिन के पी ओली करे के पड़े ना जब मधेश विरोधी रहे ओकरा मधेश के पक्ष में अपन स्वार्थ के कारण रुकल गए वो मधेश पर बहुत उदार हो कल की सब बात हम नहीं बुझी छे नहीं कल की वो जेना प्रचंड जी उदार होके नहीं कर रहा है आ दौपा जी उदार होके नहीं कर रहा है मजबूरी में बाध्यता में जब जब मजबूरी बाध्यता ही सब होइ छे ओती खुनी हम जबरदस्ती करवा ले ली तो ओती खुनी यहाँ के मधेश के काज भ जाए न तो देश में मधेसी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू जो भी शोषण उत्पीड़न पड़ल जनता है ओकर काज सब ईमानदारी से थोड़ी करे के लिए तैयार हुई तैयार नहीं हुई ना तो तै लेल उ तो बुझू के पी ओली के मजबूर करके उतना कराएल गेल रहे मधेश विरोधी आदमी के मधेश के पक्ष में उतना काज करवाएल गेल लेकिन अपना ही के गृह जिला सरलाही में काल्हि खन प्रचंड जी कहलखिन अपना ही के पूर्व सहकर्मी सहयात्री जे अखन जसपा में छथिन महेंद्र राय यादव जी ओ समेत बैसल रहथिन मंच पर कहलखिन जे राजेंद्र महतो जी लाए महंत ठाकुर जी लाए धेरै समझाए प्रतिगमन को उसमें नजानुस् लाइन में नजानुस् तर वहाँ बुझ्नु भएन वहाँ जानुभयो तपाई हामीसँग या मतलब पार्टी एकता गर्नुस् जसपा र माओवादी केन्द्र मिलौँ कहिले कहने छथिन अहिले प्रतिगमनकारी अपने के जिला में जाए हाँ ठीक है हम तो मंच से 1000 देश में प्रतिगमनकारी हमरा सब के लेल मधेसी जनता के लेल देश में प्रतिगमनकारी उ प्रचंडो छै ओली भी छै दुपा भी छै इत कांग्रेस एमाले माओवादी तीनों प्रतिगमनकारी छै चूंकि तीनों मिल के अत्याचार कल के संविधान देश के मूल कानून जो बनित रहे छोटा संविधान तो इसी साथ भ गेल देश में 7वां संविधान बनल वो गोली चला के मधेश के पूरे अंधाधुंध गोली चला के मधेश के ऊपर तब संविधान बन गई तीनों रही मिल के कहले तो प्रतिगमनकारी तो हमारे सबके लिए तीनों भ गए वही के ऊपर संसद विघटन कल के पी ओली ओकरो विरोध में संघर्ष भेबे कल आ प्रचंड जी जे आई कह रही कथी कहे छे एकता फेकता के लिए तो उपेंद्र यादव के कहले शायद हम समाचार में सुन तो उपेंद्र यादव तो ओकरे पार्ट एंड पार्सियल छै ओते से उत्पादन होके आयल छै ना माओवादी एमाले से ही कम्युनिस्टे से ना उत्पादन भेल छै तो अपना में फेनु एक बारी कहले कि काज में पठाए को छू तो काज फिरता करवा रहल है उपेंद्र जी के काज भेजल रही मधेश के गंधवंड करे के लेल वो काज फिरता कर रहा है देखियो एक बात 10-12 वर्ष के इतिहास देखियो जब जब भी मधेश के कुछ मिले के समय अल उपेंद्र यादव ओते खुनी उच्छेद कलके वहाँ ओकरा मधेश कमजोर कलके जब जब भी देख ली जब भी मूवमेंट के बाद अली मूवमेंट के जब अवधि लेवे के समय अल आ एकताबद्ध होके रही जब सरकार प्रस्तुत होके तहाँ प्रत्येक समय में देखबे ओते खुनी विभाजन कलके ओ दिन तोड़लके
छोड़ के चल गए दौड़ चाहे निर्वाचन में हो चाहे सरकार में हो चुनावी स्टंट से तब नहीं नहीं ओकरा में से आयल ओकरा मिलावे चाहे छे वे चुनावी स्टंट भेले किछ फायदा भ जाय ओ अपना फायदा के लिए सोचली का मतलब ई भेले कि उपेन्द्र जी माओवादी एमाले में से आयल हई एमाले माओवादी गठबंधन छे ना उ तो प्रचंड जी माधव जी लगाए थे गठबंधन छे ना माओवादी एमाले कांग्रेस फांग्रेस सब तो वही गठबंधन में गठबंधन है ना वो पार्टी एकता के लिए ही कह रहा है ना आ चलाऊ कहाँ के भेजल यहाँ फिरता भ जाओ तो उपेन्द्र जी तो मधेश के लिए नाम मुखौटा मधेश काम तो मधेश विरोधी कर रहा है ना प्रमाण छे एकदम शुरू से लेकर आज तक ले मधेश के नाम पर आंदोलन मधेश के नाम पर नेता मधेश के नाम पर महान नेता मधेश के नाम पर संसद में 52 सीट लेकिन बेर गठबंधन भेले पार्टी एकता के लिए सर अपने दोनों आदमी के नहीं मिल सक रहा है राजेंद्र महतो उपेंद्र यादव जहाँ मिल जेते तैयार मधेश कम्प्लीट भ जेते से ओहो यह सिद्धांत मान के यह बात मान के हम एकता के लिए नहीं हो मलेठ में जो 6-7 पार्टी के मोर्चा रहे तो सभी जनता कल की मिल जाओ ना 7 पार्टी नहीं रखो हम सभी आदमी उतने वचन दिली ठीक से मिलक चाहिए एकदम एकटा पार्टी बनाओ और उतने से काठमांडू के लिए 7 पार्टी के बैठे ली 7 पार्टी से गिनती गुहार के लिए हम खुद और कई एक मिल जाओ एक जब मिलो जनता के आवाज एक जब मिलक पड़ते तो 6 पार्टी तो मिल गए राजपा बन गए उपेन्द्र यादव तैयो भाग गए उल्टा भाग गए 6 मिल के राजा बन गई जब राजा बन गई तो कहीं ना वो तो छूट गए ना उपेन्द्र यादव पकड़ना एकता करे के पड़ते तो ओकरो पकड़ लिए पकड़ते पर भगित भगित जब पार्टी टूटे लगल तब कहीं ना हमरो एकता करू सदा के आदमी एकदम सही कर दी तो पार्टी जब टूटत रहे जब समाप्त होते रहे उपेन्द्र यादव ओती खूनी वो पार्टी अपन पार्टी रक्षा के लिए एकता एकता के बाद ओती खूनी शुरू कल के तो रात के रातों रात ओकर पार्टी जो विभाजन में तरफ जाए तो पार्टी को बचा ले गए हमसे बचेली ना बचा के हमसे एकता की घोषणा के लिए तब पार्टी बच गए और जब पार्टी बच गए तो फिर विभाजन के तरफ चल गए ना निर्वाचन में जाकर मुद्दा दिल के हम मुद्दा देकर पार्टी तोड़वा दिल के तो कि मतलब मधेश के आवाज़ के ही आवाज़ के जनता के मांग अनुसार भावना अनुसार एकता तक करबैली राजपा बनैली राजपा जसपा बनबैली है लेकिन वो एकता तो नहीं रह दिलगी ना मधेश विभाजन करे वाला तत्व मधेश कमजोर करे वाला तत्व तो बार बार वो कर्म करनी से भी देखल गई लास्ट में तो पार्टियों तोड़ के दिखाइए दिलगी ना तो ते लेल अहाँ जो कहे तो भावना के आधार पर ही तो एकता के लिए एकता में एकता करे के लिए हमारे साहित्य तैयारे नहीं रहे ना राजपा में भी तैयार नहीं रहे है जसवा बनाबे के लिए जसवा राजपा बनल तैयो तैयार नहीं रही जसवा बनल तैयो तैयार नहीं रही लेकिन यह भावना जो यहाँ कहली वह भावना के सम्मान करित कि नहीं मिलक के प्रति मिल जती तो मधेश में एक ताकत बनते और इस देश में संघर्ष करे के लिए ताकत से लड़ाई लड़े लेकिन उपेन्द्र यादव नहीं भले पार्टी बच गई तरह बाद फिर वह रवैया अपन के जाके पार्टी तोड़ कोई बात नहीं है मुख्य बात की है कि पार्टी बैनर अलग कल गई जनता अलग नहीं भेली कि हम सब मेची महाकाली घूम रहा छे ना कतौ जनता कतौ ना कुछ तो एक मिनट कुछ कुछ व्यक्ति अपन पद पाऊ पद बचाऊ कोनो आदमी पद एक्स्ट्रा पाबे के लेल प्रदेश सरकार में मंत्री जंत्री बन के लेल कोई आदमी पद बैनर के संकट आये ना बीच में तो बिना बैनर के पद नहीं रह से डर लागे ले तो कतेक आदमी पद बचावे के लेल आ कतेक आदमी पद पावे के लेल नीचा ऊपर दू चार आदमी फिर घुरतीन से अपने कहे नीचा ऊपर कल के एकरा अलावा जनता तो कतौ नहीं गई कार्यकर्ता तो अपने जगह पर है ना हम तो देख रहा छी मतलब मेची से महाकाली तक कार्यकर्ता कतौ नहीं गेल छे दू चारटा स्वार्थ में जे नेता है वो अपना स्वार्थ में गेल छे तो स्वार्थ पूरा तो की हेतै देखे रहल छिए सब स्वार्थ अपना एहि सन्दर्भ में ठैक के जोड़बे अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते दर्शकवृन्द कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि लोसपाक वरिष्ठ नेता धनसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय राजेंद्र महतो जी छोटका व्यावसायिक विश्राम के बाद फिर से उपस्थित है दर्शकबिन पुनः स्वागत इस कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि छथि लोसपाक वरिष्ठ नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय राजेंद्र महतो जी मान्य जी आप बात कनी करी छी अही चेयर पर किछु दिन पूर्व जनमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सी के राव जी आयल छलखिन अपने के एकटा ऑडियो रिकॉर्ड सुनेलखिन प्रत्यक्ष रूप से अपने में कहने छे जे हामी मधेशवादी फदेशवादी होइन अब अपने कोन संदर्भ में बाजल छे साँचे के अपने सब मधेशवादी छे कि नहीं
कि लाग त अपने त खाली मधेसै बजैत रहै छियै मधेसवादी छियै कि नै अपने सब देखियौ मधेसवादी छिबे करियै मधेसी छी त मधेसवादी नै छी मधेस फेर बजै छियै कि लाय नाक कोनो मंच पर अब कोन शब्द कोन प्रसंग में कोन शब्द के प्रयोग भेलै सब चीज गोना मिलबैते नै हेतै ना मधेस के समस्या उठनाइ मधेस के पीड़ा कहनाइ अब ओ ग्रामर ओ लिटरेचर ओहि पर हम नहीं जा रहल छी मधेस के सवाल उठनाइ मधेसवाद ओहि सेंस में हम सब कहै छियै ओहि सेंस में लोग सब बुझै छै तऽ मधेस के 30 बरस के तऽ मधेस के लिए राजनीति के लिए मधेस के पीड़ा मधेसी जनता के आवाज उठली के लड़लियै मरली ओहि के लिए काज कैली ना तऽ ओहि सेंस में आइ काल्हि तऽ मधेसेवादी कहलिए ना तो मधेसवादी ओहि हिसाब से तो ठीक है आइ के दिन में दोसर बात कह रहल छी ओ कोन प्रसंग में कि आइ के दिन में अब की करे के छे 30 बरस तक लड़ लिए 30 बरस के विभिन्न कालखंड में विभिन्न चरण आंदोलन करित गजेंद्र बाबू के समय से आइ तक ले छोट से नम्हर आंदोलन सैकड़ों आंदोलन देश में हम सब के लिए जनता लड़ले ना बंद हड़ताल चक्का जाम नाकाबंदी तक ले गई आजी कथी कहे अमर अनशन तक ले भेले सिंह दरबार घेराव तक ले भेले विभिन्न कालखंड में विभिन्न आंदोलन सभी आंदोलन में हम शरीक छे 30 बरस से आज तक ले लगातार मधेस के संदर्भ में भेल कोनो नाम पर सद्भावना पार्टी से लेके आई लोकतांत्रिक पार्टी लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी तक विभिन्न कालखंड में नाम परिवर्तन होत गए लेकिन काम तो वह भेलै काम तो नाम तो विभिन्न कारण से डिस्टर्ब हो जाए छे नाम कोनो लेके भाग गेल कोनो बेईमानी कोनो उपेंद्र यादव बेईमानी कर दल कि नाम लेके हमरो सब बनेली नाम पार्टी बनेली लेकिन ओय में गणित दू चार टा साथी के नेनी गुमराह करके आ नामो अथी कर देलकै तब नाम तो की करबी ना महीने बाद है मुख्य काज छे तो काज मधेस के लेल 30 वर्ष में मधेस के लोग बहुत लड़ले सैकड़ों शहीद भेले तो मधेस अगाड़ी बढ़ले है मधेस के पहचान भेटले है देश दुनिया में मधेस है मधेसी जनता छे ओकर समस्या छे इतना हम सब देश और दुनिया के बतैलिए और उस समस्या अगाड़ी बढ़ले समाधान के तरफ बढ़ रही से नागरिकता वाला बात 30 वर्ष पहले से उठावे के शुरू कैली लाखों लोग देश के जनता नेपाली जनता के नागरिकता नहीं दे हम पहले कहली देश बने छे जमीन और जनता दोनों मिली छे केहन दुर्भाग्य है कि जमीन नेपाल का ओमे रहे वाला जनता विदेशी भ जाइए देश में तो ओहि के लिए लड़ली तो लाखों लाख हमर जे देश के जनता रही मधेसी जनता बाहरों के जनता भी जे न ले रही नागरिकता लेल के अभी भी नागरिकता समस्या छे अभी जनसिद्ध वाला कह लिए अभी समस्या छे संघीयता मंगलिए कहलिए एकात्मक शासन प्रणाली के विकल्प में संघीय शासन छे काठमांडू नहीं जाए के पड़ते यही जनकपुर में अपन मधेस सरकार बनते और सॉरी अपन अपन शासन अपन प्रशासन हेतै सारा अधिकार संपन्न हेतै अपन अपन सब कुछ अपन हेतै अपन सरकार हेतै ना तो काठमांडू जाके नहीं पड़ती एहन संघीयता भेटले काम न काज के न जेकरा अधिकार है न डेउआ है न कौड़ी है न बजट है न पुलिस है न प्रशासन है न चीज किछ किछ हेबे नहीं करै छै नाम के झंडा डंडा पकड़ा देले आ ओतनो में ही सब भ्रष्टाचार करै छै ओतनो में नीक से नहीं चलबै छै तो ई अपन अपन ई दोसर बात भेलै जे पर काल धरि तो अपनहु सब रहै नहीं सरकार में हम रही चाहे न रही लेकिन गलती करते गलती कहे के पड़ते ना जे सरकार गलती करते गलती जहाँ जे कहले गलती सब पर छानबीन होय के चाहिए लेकिन आई लोग चाहे ओकर होय आई लोग के सह के शक्ति नहीं छै ने अपने ही के पार्टी से एत के मेयर जीतल छथिन अपने बारो नियंत्रण के सवाल में दूटा बारो नियंत्रण कैला बिगड़ल रहे अपने की करे छी से पूछ देलिए त आई उ नेता अपने संगे नहीं है ने तो जनता सुन दे पार्टी चलते केना संगठन बढ़ते हां 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 संगठन बढ़ते पार्टी चलते रे जनता अपना जगह पर छै ना उ जनता के आवाज रही ना दमकल बारून यंत्र वहाँ रखल छै तो जनता के घर में आग लगे बुताबे के लिए रखल छै ना उ शो के लिए रखल छै होते बिगाड़ के रखबे यहाँ जनता के आवाज रहे तो जनता के आवाज हम कहलिए हमर धर्म बनी छै जनता के प्रतिनिधि छी ना तो ओकरा नहीं निमन लगले कहला तो बिगाड़ के रखले तो ओकरा दुख भ गेलै तो छोड़ के चल गेलै तो छोड़ के चल गेलै जनता बुझै छै ने कहला छोड़ के चल गेलै आय जनता के हमका गेला से अपने के घाटा नहीं ना ना ना, ना गलत देखे घाटा घाटा नाफा व्यापार नहीं छी घाटा नाफा के सौदा नहीं करे के जनता के काज नहीं कलके तो कहे के हमर धर्म बने छे ओकरा निक नहीं लगली तो छोड़ के चल गेले तो उ जाने उनका अधिकार के बात रहे अब की ठीक कल की बेठीक कल की देश जनता देख रहल छे समय ला पर जनता मूल्यांकन भी करते तेल कोई बात नहीं छे नहीं जाए के चाहिए गलत कहला तो जनता के आवाज हम कह लिए हम कोई गलत तो नहीं रहे कहले ना
हम कोई अपराध तो नहीं कर रही है, जनता के आवाज आइए कथी कहे दिवाली के समय में शहर सफा होबे के चाहिए, अन्य समय में तो गंदा रहबे करी, अभी कम से कम सफा कर दिए, हम अभी तक सुन लिया कहते रहिए कि सड़क पर यहाँ गंदगी फैल गए जे जे वार्ड अध्यक्ष सब है वह सब बड़का समस्या सर सफाई से लागल है तो उठावे के जनप्रतिनिधि के काज है ना, काज करे के चाहिए, नहीं उठिए तो आवाज उठावे के चाहिए सॉरी तो ते ले लो गलती यदि कोई कल के तो जनता ही बात के देख रहा है उचित समय पर जनता 24 घंटा नहीं बजी है ठीक समय पर जनता प्रहार करेगी ठीक समय पर जनता मन बात कहे उस समय के इंतजार करियो ना जनता के जब बाजे के समय तो बाजे लेते समय कम है अपने एक पार्टी के वरिष्ठ नेता से तत्कालीन समय में तत्कालीन राजपा आ संघीय समाजवादी पार्टी एक भक अपने सब चुनाव लड़ लिए एखन फिर से दूटा दल छे अपने सब आ तेसर शक्ति के रूप में अपने सब प्रति आक्रामक रूप में लागल है जे गतिविधि सब से देखा रहल छे जनमत पार्टी वह कहे हम मधेश केंद्रित दल व मधेशवादी दल छी आ तीन टा शक्ति तीन दिशन छी अपने सब काल्हो के चुनाव में जहिया अपने सब मधेश आंदोलन करित रहिए ओतेक बड़का अपने सब मूवमेंट रहे मधेशवाद के मधेश आंदोलन के तहिया के प्रतिस्पर्धी दल सब माओवादी एमाले आ कांग्रेस जो विभिन्न क्षेत्र में अपने सब के प्रतिस्पर्धी देखा रहे ओकरा सब संगे आप तीन टा दल में विभाजन भक अपने सब चुनाव लड़बे तो अपने सब के साइज की है अब किसी देखियो अब नया ढंग से सोचू अभी ढकर पैच नहीं करू सब टेस्टेड भ गई उपेंद्र यादव टेस्टेड है सी के राउत टेस्टेड है पूरा देशे मधेश अलग देशे बनबित रहे पता न केपीओली से की सेटिंग भ गए तो केपीओली के प्रवक्ता बन के कुछ दिन घूम ले अभी फिर सुनी छी कथी कथी कर रहा है तो हम चर्चा नहीं करे के सी के राउत जी के बारे में अब जनता ओकर मूल्यांकन करते उपेंद्र जी कर रहा है जनता मूल्यांकन करते हमरा एक टा बात कहे के छी आजकल हम बजी छी बात हाँ इससे पहले मधेशवाद सब प्रयोग के लिए मधेशवाद तो जब तक मधेश की समस्या रहती मधेशवाद रहते लेकिन अब हमरा सबके काम करे के तरीका कहीं बदले के पड़ते अब हम इसे कह रहा छी हम कह रहा छी कि हम अलगे अलगे 30 वर्ष हम आंदोलन कैली मधेश आंदोलन करके वही आंदोलन के पूर्णता आंदोलन के जो आवाज रहे ओकर पूर्णता नहीं भेटल चौराहा पर छी हरेक समस्या अगाड़ी बढ़ लेकिन पूर्णता नहीं भेटल समाधान पूरे के पूरे समाधान नहीं भेटल मधेश देश के एक सबल नागरिक अभी तक नहीं बनल थारू से आंदोलन करे हमारे अंग है ना थारू थरवट के देखियो आंदोलन कर जेल में छे हमर निर्वाचित रेशम चौधरी अभी भी जेल में छे दर्जनों लोग जेल में छे वो अलगे आंदोलन के ओकरा मार के ओकरा जेल में भेज दे छे आदिवासी जनजाति ओकरो पर विभिन्न प्रकार के भी भेज छे जे पहाड़ के आदि शेरपा तामांग राई लिम्बू गुरुंग भोटे मगर नेवारी सब ओकरा ऊपर अत्याचार छे ओहो अपन आंदोलन करे छे ओहो जलगे करे छे दलित अलगे करे छे मुस्लिम सभे अपन अधिकार पहचान के अगले अलगे अलगे विगत में लड़ ले संघर्ष कल के लेकिन कोनो संघर्ष पूर्ण रूपेण सफल नहीं भेले एकर एकटा कारण हम बुझलिए मधेश तो अंतिम दुनिया में नहीं जीती है आंदोलन कर दिल्ली 6 महीना तक बंद हड़ताल चक्का जाम नाकाबंदी दुनिया में एहन आंदोलन तो हेबे नहीं करी छी 6-6 महीना तो पेट बांध के गरीब सब आंदोलन कल के नहीं हो ना उद्योग रोग उद्योग धंधा कल कारखाना स्कूल कॉलेज सब बंद करके इतने से बड़का आंदोलन कुछ हो ही नहीं सके लेकिन वो आंदोलन समाप्त कल की भारत को आंदोलन हो नाकाबंदी हम सब कैली कपार हमार फूटल कहल भारत को आंदोलन हो इस शासक वर्ग के लोग कहे का मतलब ये कि आंदोलन सफल नहीं हो दे रहा है कोनो का नाम बदनाम करे के कमजोर करे के डिवाइड करे के और शासन करे के जी डिवाइड एंड रूल फूट डालो और शासन करो शासक के चरित्र हो चरित्र अभी तक अपने देश में 270 वर्ष से देश में एक अके शासन चल रही शोषण कल के यहाँ अब एक जवाब खोजे के छे अब अलगे अलगे आंदोलन करबे तो ऐसे ही अभी कितना बरस लड़े के प्रति कोई ठेकान नहीं छे कतेक शहादत हेतु कतेक लोग मरते यो ते लेल ताकत चाहिए ताकत के लिए जतेक अधिकार पहचान लड़े वाला हिमाल पहाड़ तराई मधेश में जतेक अधिकार पहचान के लिए सुशासन और समृद्धि समेत के लिए जतेक लड़े वाला देश में सबके मिल जाए के चाहिए एक दाई देश बनाबे के छे अधिकार पहचान लेबे के छे देश में मधेशी के देश के सबल नागरिक बने थारू बने जनजाति बने दलित सबे सबल नागरिक बने सबे अधिकार पहचान हो लेल अब हमरा सबके चिंतन सोचे कि अब आंदोलन अपन अपन आंदोलन के इकट्ठा करे के एक जगह जमा भ जाए के मधेश आंदोलन के भी थरवट आंदोलन के भी जनजाति आंदोलन के भी एक जगह ला देवे के चाहे अब ओकर नाम राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन रख देवे के चाहिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन मधेश मधेश आंदोलन न कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन थरवट आंदोलन न मधेश मुक्ति आंदोलन राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन कथी कहे अब
अब मधेश थारू जनजाति अलग अलग नाम भेले ना जी, जी। एक जगह नाम राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भ गेलै ना है तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भ गेलै मतलब सब प्रकार के विभेद से मुक्ति राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन बहुल राष्ट्रीय राज छे कि सबे के 125 जात जाति धर्म समुदाय वर्ग देश है ना तो सबे के देश लेकिन देश चल एकल जाति है एकल राष्ट्रीय राज्य के चिंतन से देश चल रहा है। 7 संविधान बनले लेकिन जनता के अधिकार नहीं भेटे की मतलब है गणतंत्र आ गई जनता के शासन नहीं भेल की मतलब है एक मतलब ई भेले कि देश के शासन और शोषण एकल चिंतन से हो रहा है एकल जातीय चिंतन से चल रहा है और औपनिवेशिक मानसिकता से चल रहा है दुनिया के औपनिवेशिक ज्ञान न हल लेकिन आंतरिक औपनिवेशिक शिकार भ गई यहाँ जनता मदेही जनता या उ थारू आदिवासी तो ई अवस्था है तेल नस्लवादी चिंतन सोच से शासन भ रहा है वैसे मुक्ति पाव के लिए ताकत चाहिए ताकत के लिए एकता चाहिए एकता के लिए मदेश में तो एकता चाहिए थारू में एकता चाहिए जनजाति में एकता चाहिए और सभी एकता के मिला के एगो एकता चाहिए ओकर नाम दियो अब राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन बहुल राष्ट्रीय राज्य अब वह भोबे करती देश में कांग्रेस कम्युनिस्ट देश में देश के कंगाल कर दल के देश दुनिया के सबसे गरीब देश भ गए अब कांग्रेस कम्युनिस्ट देश के शासन तो कांग्रेस कम्युनिस्ट परीक्षित मतलब टेस्टेड भ गई कि अब कांग्रेस कम्युनिस्ट के नो एजेंडा कोई एजेंडे नहीं छी कि कांग्रेस के एजेंडा बीपी के समाजवाद देखिए लेली कहाँ पहुंचा दिली कांग्रेसी सब और कम्युनिस्ट वाला के वर्ग संघर्ष करती करती भौतिक कथी कहे द्वंद्वात्मक भौतिक बात वो कहाँ पहुँचा दिल देखने के लिए समस्या समाधान ओते नहीं छे समस्या समाधान ई छे कि यहाँ अधिकार पहचान के जो लड़ाई छे सुशासन और समृद्धि के जो सवाल छे चारटा बात हम कह लिया अधिकार पहचान देश में अधिकार पहचान के लिए लड़े वाला मदेशी आदिवासी जनजाति मुस्लिम थारू दलित लगायत जो जनता छे वो अधिकार पहचान के लिए लड़ रहा छे ओकरा नहीं भेट रहा छे सुशासन और समृद्धि देश में नहीं छे देश कंगाल भ गेलै दुनिया के संपन्न देश बने के चाहिए नेपाल के प्रकृति एतेक बड़का वरदान देलकै पानी के मामला में दुनिया के दोसर स्थान छे अभी 83,000 मेगावाट के क्षमता छी 1600 नेपाल के चाहिए 1600 नहीं छी 600 मेगावाट भारत से आके यहाँ बिजली बढ़ी छै एहन देश छै कहे के मतलब ई छै कि पर्यटन एतेक बड़का छै हिमालय पहाड़ एते छै गौतम बुद्ध जन्म छी माता जनकी मतलब पर्यटन के लिए एतेक बड़का संभावना छै लेकिन नहीं सोना उपजे वाला जमीन छै आकाशे भर पर जिंदा रहे 50 लाख हमर जनशक्ति कथी कहे छै विदेश में कतार मलेशिया में 50 डिग्री टेम्परेचर में वहाँ काज करके ले जाए तो कहे के मतलब कि समृद्धि के लिए भी कोनो काज नहीं भेले सुशासन अदालत में लत्तम जूता भर रहा है सुशासन नाम के चीज खत्म भ गेले तो कांग्रेस कम्युनिस्ट के शासन दल के जनता के की जनता के देश के कंगाल बनाओ जनता पर गोली चला के संविधान बनाओ और ओकर अधिकार पहचान सब छीन लियो और एक शासन एक जातीय शासन चलाओ देश में ऐसे देश चलिए नहीं सके यही लेल बहुल राष्ट्रीय राज्य कह रहा छी मतलब सभे के राष्ट्र है सभे जात जाति वर्ग समुदाय के देश से सभे के अधिकार पहचान दियो और देश के समृद्धि और सुशासन की तरफ ले जियो सभे जनता के अधिकार पहचान चाहिए और देश के सुशासन समृद्धि में ले जाए के लिए अब वो एजेंडा पर काम करे के वो एजेंडा पर हिमालय पहाड़ तराई में देश के एक राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के सृजना करे के ओकर तैयारी कर रहा थी नया ढंग से अब समय लगते है लेकिन देश के नया ढंग से ले जाए के छै और वही हिसाब से जत है घिसल पिटल बात ये सब नहीं हो सबसे कुछ समाधान नहीं होके छे एलेल उ काज में लागल छे समय लगते हेतै लेकिन देश में जनता जे चाह रहल से ओकरा भेट नहीं रहल है ओहि के लेल काज करे के पड़ते अपने के अमूल्य समय के लेल बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम अपन विशेष में आजुक हमरा सबक अतिथि लोसपाक वरिष्ठ नेता एवं धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसद माननीय राजेन्द्र महतो जी संगे के वार्तालाप अपने सबके बीच रखलौं फिर से दोसर श्रृंखला में दोसर संदर्भ में विशेष व्यक्तित्वक संग उपस्थित है एखन के लिए आज्ञा दिया नमस्कार।